तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर IUPS RRB क्लर्क का मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर देखेंगे। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक को टच करते हुए चलेंगे। लगभग सभी टॉपिक का एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हुए चलेंगे। DI वगैरह नंबर सीरीज सारी चीज़ों की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि एक आइडिया लग पाए कि कलर का क्या लेवल रहता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक प्रैक्टिस सेट वगैरह काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ RRB का। तो कभी हिंदी में क्वेश्चंस होते हैं, कभी इंग्लिश में होते हैं, तो दोनों को बैलेंस करके कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग उसमें एडजस्ट करके चलो। बहुत बच्चे कमेंट मार रहे हैं इंग्लिश वाले पे, सर हिंदी में क्यों नहीं, हिंदी वाले पे इंग्लिश में क्यों नहीं है। तो देखो, जब हिंदी में आता है तो उसके बाद में इंग्लिश का भी कोई वीडियो आएगा, तो दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। जैसे प्रैक्टिस पेपर पहले हिंदी में थे, तो अब इंग्लिश क्वेश्चन में हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी आप लोग टेंशन, मतलब सारी चीज़ें बैलेंस करके चल रहे हैं। तो ये वीडियो चला क्वेश्चन है, देखो नंबर सीरीज में दो चीज़ें देखनी है कि मल्टीप्लाई की है या प्लस माइनस की। साफ सी बात है, अगर 255 से लेके 245 तक पहुंच रहा है क्वेश्चन, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लस या माइनस की नंबर सीरीज हो सकती है। तो यहाँ पे 255 से 230 आए तो आपका यहाँ पे माइनस हो गया 25, ठीक है। 230 से 20 आए तो यहाँ पे प्लस 20 हो गया, यानी कि 20 जुड़ चुका है। इसके बाद में आए तो माइनस 15 हो गया, और इसके बाद में आए तो प्लस 10 हो गया। तो इसके बाद में क्या होगा, माइनस 5 ही होगा, माइनस 25, फिर प्लस 20, पाँच पाँच का गेप बनता जा रहा है, और एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है। तो अगली बार माइनस 5 होगा, यानी कि 245 माइनस 5 इज इक्वल टू 240। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 240। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये नंबर सीरीज थोड़ी सी मेरे को लगा कि हाँ, इसके अंदर स्टूडेंट को सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी कोई भी नंबर सीरीज ऐसी नहीं है जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो 5 से 3.5 हुआ है, तो देखो यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है और 1 यहाँ पे एडिशन हो गया है। इसके बाद में देखो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है और 1 ही 0.5 एडिशन हो गया है। इसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले 0.5 से हुआ, फिर 1 से हुआ, तो अभी 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 75, यानी कि 7.5 आएगा। उसमें 2 जोड़ोगे तो आप 9.5 आएगा। देखो आगे चेक करने के लिए आप आराम से चेक कर सकते हो, 9.5 के अंदर क्या ऐड कर, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2.5 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, फिर 2.5 से ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 21.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पैटर्न के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यही एक पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी पैटर्न एकदम से ईजी और आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछते हैं। ये वाला पैटर्न मैंने काफ़ी एग्जाम से बताया कि एकदम से, मतलब कि एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0.5 4 हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 होगा। तो 8 या 24, 240, 8 दूनी 16, 240 प्लस 16 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 256। आपके जो कैलकुलेशन है वो भी फास्ट होनी चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट DI की, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग करते रहिए। देखो 129 और 128 के बीच में डिफरेंस है 1 का, और उसके बाद में डिफरेंस है 4 का, इसके बाद में डिफरेंस है 9 का, और इसके बाद में हमें ज्ञात करना है। इजीली यहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये 1 का स्क्वायर है, फिर यहां ये 2 का स्क्वायर है, यहां ये 3 का स्क्वायर है। तो यहां पे जो गेप बनेगा वो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बनेगा। तो 115 में से माइनस 16 करेंगे तो यहां पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 99, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, हमारे पास एग्ज़ाम है कल ही, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं लेक्चर को डालने में, तो हम आगे और भी लेट नहीं होना चाहते हैं। देखिएगा दोस्तों 0.5, 1.5, 5, 18, 76 यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है। लेकिन मैंने देखो आपको हर बार सिखा हुआ है कि जब पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो तो लास्ट के दो नंबर पकड़ लो। अब देखो 18 से 76 के पास जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 आ जाएगा। 72 से 76 में जाने के लिए 4 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बात समझ में आ जाती है कि 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 एडिशन हुआ है। पीछे आप देख लो क्या हुआ है, देखो 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 से एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे 76 5 से मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस 5 होगा। देखो यहाँ पे इजीली आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, 70 को 5 से मल्टीप्लाई करो 350 आ गया, 6 को 5 से करो 30 आ गया, यानी 380 आ गया, प्लस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 385 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है एवरेज से,
एवरेज मान लो या एज मान लो, दोनों ही एक ही टॉपिक है। यहाँ पूछ रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए एंड पी 2 ईयर अगो वाज 26। ठीक है, यानी कि 2 साल पहले, अगर प्रेजेंट में ए की एज ए और बी की एज बी मानते हैं, तो 2 साल पहले ए की एज ए माइनस टू रही होगी, बी की एज बी माइनस टू रही होगी, और इनका एवरेज जो रहेगा वो डिवाइड बाई टू रहेगा, वो कितना रहा होगा, 26 रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी माइनस फोर डिवाइड बाई टू आ गया 26, तो इस 2 को ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और फिर इस 4 को ले जाके इधर क्या कर दो, प्लस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर ये माइनस फोर आ गया ना आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस फोर। ठीक है, तो 26 मल्टीप्लाई बाई टू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 52। 52 के अंदर आप प्लस फोर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 56। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपकी निकल के आ जाती है 56। ये आप सभी को समझ में आनी चाहिए कि पहली लाइन से अपन ने ये ए प्लस बी बराबर 56 निकाल लिया है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ इन सबको। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 56 अपन निकाल चुके हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि इफ़ एज ऑफ ए 5 ईयर हैंस इज 40 ईयर्स, यानी कि 5 साल पहले ए की एज कितनी थी, 40 थी, 5 साल बाद 40 होगी, 5 साल पहले नहीं, 5 साल बाद क्या होगी, 40 होगी, यानी कि ए प्लस फाइव इज इक्वल टू 40। 5 साल बाद की बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 साल बाद की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए प्लस फाइव हो जाएगा, ए प्लस फाइव इज इक्वल टू 40। देन जो ए की वैल्यू है, जो यानी कि जो प्रजेंट में एज है, वो कितनी हो जाएगी, 35 ईयर्स हो जाएगी। तो यहाँ से आपको बी की एज मिल गई 56 माइनस 35, यहाँ पे लिख दो आप लोग बी की एज लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 15 और 6 21, 21 ईयर आ गई। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि जो रीजनिंग आया वो एवरेज आया है, और थोड़ा सा जो मैथ्स है वो अबोव एवरेज आया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की यहाँ पे मैथ्स को कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप लोगों को इसीलिए मैं पहले मैथ्स का लेक्चर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। मिसलिनियस क्वेश्चन में जो लोग स्कोर करेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बाकी सब जगह तो लगभग सारे लोग स्कोर करने वाले हैं, नंबर सीरीज में, सिंप्लीफिकेशन में, डीए के अंदर, लेकिन जो लोग आगे गेन करेंगे कंपिटिशन में, आगे बढ़ेंगे, वो होंगे अर्थमेटिक से, यानी कि जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चन हैं उनसे। तो वहाँ पे आप लोगों को इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएं, कुछ मदद मिल जाए, इसके लिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो बी की एज आ गई वो 21 ईयर आ गई। अब यहाँ पे आप लोगों से एक बात ये बोल रहा है कि बी इज 5 ईयर यंगर दे टू सी, बी सी से क्या है, 5 साल छोटा है, यानी कि जो सी की जो एज हो जाएगी वो 5 साल बड़ी होगी, यानी कि 26 साल होगी। सिंपल सा लैंग्वेज का खेल है। फिर यहाँ पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड सी, तो ए की एज आपकी 35 है, सी की एज 26 है, तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो 9 ईयर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एज से या फिर एवरेज से मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे एवरेज से आ रहा है, पूछ रहा है कि एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 24, और एक्स और वाई के अंदर रेशियो दिया हुआ है और एक्स प्लस वाई 60 दिया हुआ है, तो आपको एक्स माइनस जेड की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 324 दिया गया है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 20 + 60, 4 + 12, यानी कि 72। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोगों को दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से सिंपल सी वैल्यू है, दोनों को माइनस कर देंगे तो z की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है x रेशियो वाई इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल वैल्यू x और y की कितनी हो जाएगी, 5 है यहाँ पे रेशियो के हिसाब से, लेकिन 5 नहीं होकर ये कितनी है, यहाँ पे अपने शॉर्टकट वाले मेथड से, तो 60 है, तो 5 को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अपने पास देखो जेड की वैल्यू तो 12 आ चुकी है, तो किसकी वैल्यू और चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 12 × 24, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 24, जेड की वैल्यू 12, तो 24 - 12 इज इक्वल टू 12 आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड, अच्छा मेथड बताता हूँ, जहाँ से आप लोग टाइम को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो अपने टाइम को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है ना कि जब ये एफिशिएंसी वगैरह दी होती है, तो आप टोटल वर्क के अंदर काम करो। देखो एक एक काम को 24 दिन में करता है, बी का मुझे नहीं पता अभी, सी का भी मुझे नहीं पता।
ठीक है। तो आप एक 24 का अच्छा बड़ा सा मल्टीपल मान लो कि मान लीजिए 240, 10 मल्टीपल बार मान लिया मैंने, 240 टोटल वर्क है, 240 टोटल वर्क है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? एक दिन में ए 10 काम करेगा, 24 डिवाइड बाई, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लो, यहाँ पे भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, चलो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी कर सकते हो, कोई 480 मानना चाहे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई 720 मानना चाहे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप टोटल वर्क को 240 भी मान सकते हो, 480 भी मान सकते हो, 720 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, 24 का मल्टीपल होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब देखो बी इज 20% मोर एफिशिएंट, तो ये एक दिन का काम है, तो ये क्या है, ये एफिशिएंसी है। अब देखो बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, ए से 20% ज्यादा, यानी कि एक दिन में बी कितना काम करेगा, 10 से 2 काम ज्यादा करेगा, यानी 12 काम करेगा। इसका मतलब एक दिन में अगर 12 काम करता है तो पूरा टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, 20 दिन में ही करेगा। 240 में 20 का भाग दे, 12 का भाग देते तो 20 दिन आ गया। अब देखो नेक्स्ट, सी कैन डू द वर्क इन 10 मोर डेज देन बी, अगर बी 20 दिन में करता है तो 30, मतलब सी 10 दिन और लेगा, तो सी कितने दिन लेगा, 30 दिन लेगा, सिंपल सी बात है। तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 30 का भाग देते हो 240 के अंदर, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 7 3 8 24, तो 8 काम करेगा एक दिन के अंदर। अब पूछ रहे फाइंड द डेज टेकन बाई ए एंड सी, ए और सी के द्वारा मिलके काम करने में कितना टाइम लगेगा। देखो टोटल वर्क 240 है, एक दिन में दोनों मिलके कितने काम करते हैं, 18 काम करते हैं, ठीक है, तो 18 काम करते हैं, तो इजीली यहाँ पे 6 से काट दो आप भाई। यहाँ पे पूछा है कितने दिन में काम करेंगे, भाई एक दिन में 18 काम करते हैं, टोटल 240 काम है, तो दिन निकल जाएंगे यहाँ पे, 6 चौक 24 और 6 3 18, तो यहाँ पे 40/3 डेज आ गए। इसको अच्छे से समझ जाना, क्वेश्चन और तरीक़ों से जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा उलझ सकता है, इस तरीके से थोड़ा टाइमली निकल जाएगा, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मिक्सचर एलिगेशन मैंने ऑनलाइन क्लासेज में भी बताया है, काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे भी बताया है कि जो कॉन्स्टेंट रहता है उसके ऊपर ही काम करो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:4 है, 2 लीटर वाटर एड हो रहा है, यानी कि 2 लीटर वाटर एड हो रहा है, तो रेशियो हो गया 10:9। तो भाई जब वाटर ऐड हो रहा है तो भाई मिल्क कैसे बदल रहा है, मिल्क तो सेम रहना चाहिए, नीचे 10 है तो ऊपर भी 10 रहना चाहिए, तो आप दोनों को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाई टू, तो ये 8 हो गया, ये आपका 10 हो गया। कितना ऐड हो रहा है, 2 लीटर वाटर होता है, तो एक ही तो चेंज हो रहा है रेशियो के अंदर, और एक की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर, एक की वैल्यू 2 लीटर है, तो समझ में आ गया, ठीक है, तो एक से 2 बनाने के लिए 2 लीटर वैल्यू हो गई। अब पूछे देन फाइंड द न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर, तो इस बार वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 लीटर हो जाएगी। समझ में आई ना बात, देखो क्या हो गया, एक की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 9 = 18, ये वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। भाई मिल्क तो सेम रहना चाहिए, वाटर ही चेंज हुआ है, तो रेशियो में एक का ही चेंज हुआ है, तो कैसे हो जाएगा 2 लीटर, तो एक की वैल्यू यहाँ पे 2 लीटर आ गई, तो 9 की वैल्यू 18 लीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9:1। अब देखो एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, स्ट्रीम और करंट एक ही चीज़ होती है, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड बोल दो या करंट की स्पीड बोल दो, तो उसमें अंदर तो पहली बात तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो डाउन स्पीड स्ट्रीम की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, इनका जो अनुपात है वो 9:1 है। करंट की स्पीड 3 किलोमीटर है, तो स्ट्रीम और करंट तो एक ही चीज़ होते हैं, तो देखो ये एक ना हो के ये कितना है, 3 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 3, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से, यानी कि 27 यहाँ पे आ जाएगा। देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, धारा की दिशा के अंदर जो वेग होता है वो बोट का प्लस नदी के बहाव का, दोनों का वेग का योग होता है। अब देखो ये क्या है, ठीक है, तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, अब देखो ये तो है 27, ठीक है, बोट की स्पीड हमें नहीं पता, स्ट्रीम की स्पीड है 3, तो बोट की स्पीड यहाँ पे कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर ओवर आ गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर आ गई अपने को। अब पूछ रहा है कि अप स्ट्रीम में 5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो क्या होती है,
बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यहाँ पे बोट की स्पीड है 24, स्ट्रीम की स्पीड है 3, तो टोटल स्पीड कितनी आ गई 21। ठीक है, अब 5 घंटे की बात कर रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है यहाँ पे कितनी 21, टाइम है 5 घंटे, तो आपका जो ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगा वो 105 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। इजीली समझ सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओ तो। बाकी मैंने इसमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला कोई डायरेक्ट वो नहीं बताई है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन क्लासेज में नहीं है या फिर जो रेगुलरली हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए सिर्फ बेसिक से ही यहाँ पे समझा रहा हूँ अर्थमेटिक के क्वेश्चन। और काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आ रहे होंगे जो ऑनलाइन क्लासेज में नहीं है, तो आप लोग अभी वेट कीजिए, अभी हम DI पे भी बात करेंगे और सिंप्लीफिकेशन पे भी बात करेंगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे पूछा गया था, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर यानी 4 लगातार सम संख्याओं, ठीक है, का योग ग्रेटर देन 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बाय 81 से वो क्या था बड़ा था। इफ सम ऑफ लिस्ट ऑड नंबर यानी सबसे छोटा वाला विषम संख्या और सबसे छोटी वाली जो सम संख्या है उसका जो योग है वो 59 है, देन फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट ओड एंड इवन नंबर। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो बड़ा तरीका होता है, एक छोटा तरीका होता है। मैं दोनों तरीके बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि कल हमारे पास टाइम नहीं है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर जाने का, तो डायरेक्ट शॉर्टकट सीखिए। इवन नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो मान लीजिए x सबसे छोटा इवन नंबर है, उसके बाद में x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, फिर x प्लस 6 है, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात हो गई। इसके बाद में विषम संख्या की अगर बात करें तो ओड नंबर की बात करें, सबसे छोटा ओड नंबर में y मान लेता हूँ, फिर y प्लस 2 मान लेता हूँ, फिर y प्लस 4 मान लेता हूँ, 3 ही नंबर की बात हो रही है, 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर की बात हो रही है। अब यहाँ पे छोड़ दो, देखो यहाँ बोल रहे सम ऑफ लिस्ट यानी सबसे छोटा ओड नंबर यानी x और इवन नंबर यानी y, इन दोनों का जो योग है वो क्या है 59 है, क्वेश्चन ने दिया है। अब पूछा है फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट ओड एंड इवन नंबर। लार्जेस्ट देखो इवन नंबर तो x प्लस 6 है और ओड नंबर y प्लस 6 है, तो अपने को निकालना है x प्लस 6 प्लस y प्लस 4 ही, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस y की वैल्यू अपने को 59 पहले से पता है, तो 59 प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा 69। अब कुछ लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, दूसरे मेथड से जाएंगे x x प्लस 2 x प्लस 4 ऐसे करेंगे, फिर माइनस करेंगे y y प्लस 2, फिर उसको 81 करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर x प्लस y 59 से एक इक्वेशन बनाएंगे, तो वहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, फिर सॉल्यूशन होगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको इस तरीके से जाना है जो मैंने आप लोगों को बताया है, सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, अपने को आंसर से मतलब है, ज़्यादा कोई अपने को PhD यहाँ पे करनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ पे आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे बोल रहा है दो टू डिफरेंट अमाउंट्स आर इन्वेस्टेड इन टू स्कीम्स, दो स्कीमें, एक स्कीम ए है और एक स्कीम बी है। एक्स इज इन्वेस्टेड एट 8%। अब देखो यहाँ पे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है आपसे ना सिंपल इंटरेस्ट बोला है, तो जब भी आपको कुछ नहीं बोले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मान के चलना है, ठीक है। ये बात मैंने ऑनलाइन क्लास में बताई है, बाकी जगह भी मैंने जब भी पढ़ा है वहाँ पे मैंने बताई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपन लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि स्कीम एक ए है, स्कीम एक बी है, स्कीम ए के अंदर एक्स अमाउंट होता है 8% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 16% इंटरेस्ट मिलेगा। स्कीम बी के अंदर यहाँ पे कितना अमाउंट होता है एक्स प्लस 1400 अमाउंट मतलब इन्वेस्ट किया जाता है और 12% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे कितना परसेंट यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है 24% इंटरेस्ट मिलने वाला है। और दोनों का जो इंटरेस्ट है यानी कि इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम वन स्कीम ए माइनस इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम बी इज इक्वल टू 880। अब देखो स्कीम ए के अंदर जो आप लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला है वो क्या होगा, एक्स का 16% ही होगा, ठीक है। तो आप लोग एक्स का 16% निकाल लीजिए, एक्स डिवाइड बाई 1600। यहाँ पे जो होगा वो एक्स प्लस 1400 का कितना प्रतिशत होगा, 24% होगा, 24/100 होगा, और इसकी वैल्यू 880 होगी। यहाँ से आप लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी चीज़ें, देखो यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा उलझ जाएंगे, काटेंगे पीटेंगे, वो सब नहीं करना है। देखो सिंपल 100 को यहाँ पे ले लो, ठीक है, LCM ले लो, यहाँ पे 16x माइनस 24x प्लस 1400 मल्टीप्लाई बाई 24, काटा पीटी अभी मल्टीप्लाई वगैरह कुछ मत करो, यहाँ पे 880 आ गया। अब यहाँ पे ये जो अरे कहाँ गया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जो 100 है इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, तो ये 2 जीरो और बढ़ गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो 1400 प्लस 24 है मल्टीप्लाई में, इसको उधर माइनस के अंदर ले जा सकते हैं अपन लोग, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो बनेगा 880 माइनस 1400 मल्टीप्लाई बाई 24, यही बनेगा। यहाँ पे इनको काटने के बाद में क्या बनेगा, 8x बनेगा। ठीक है, 8x जब बनेगा, अरे ये क्या हो गया, माइनस 24x जो भी है, ठीक है, माइनस प्लस में इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे उधर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 8x मान लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे किसका डिवाइड कर देंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे। 8 का डिवाइड जब होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11,000, और ये हो जाएगा 8 3 24, 14 2 28 और 42, तो ये हो जाएगा 4200 माइनस। तो जब 4000 माइनस करेंगे तो 7000 बचेगा, फिर 200 माइनस करेंगे तो आप 6800 रुपये बचेगा, आंसर बचेगा। ये माइनस कहीं बाई मिस्टेक आ रहा है, ये बी माइनस ए होगा, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है, माइनस माइनस कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 6800 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, ट्रेडमैन गॉट प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन फर्स्ट आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल 25% लेस देन द फर्स्ट आर्टिकल, यानी 25% का कम है फर्स्ट आर्टिकल से, देन फाइंड आउट ऑल ओवर प्रॉफिट परसेंटेज, पूरा का पूरा प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितना हुआ ये अपने लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखो, सिंपल सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि आप लोग क्या करो कि देखो, पहले आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो 100 रुपये में लाया और कितने में बेच दिया, 140 के अंदर बेच दिया, 100 में लाया, 140 में बेच दिया, 40 का उसको क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। दूसरा जो आर्टिकल था उसकी जो सेलिंग प्राइस थी, ये देखो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ फर्स्ट आर्टिकल, ये सेकंड आर्टिकल की बात करूँगा तो देखो कॉस्ट प्राइस तो सेम 100 रुपये ही है, बोला है क्वेश्चन ने कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस इसकी जो सेलिंग प्राइस है उससे 25% कम है। अब देखो 140 का 25%, अब कैलकुलेट करोगे तो देखो काम नहीं चल पाएगा, कैलकुलेट नहीं करना है, अपने दिमाग से निकालो 25%, 10% कितना होता है, 14 होता है, तो 20% 28 हो गया, आधा परसेंट 7 होता है, तो 28 7 35 इधर ही होगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 105। अब यहाँ पे पूछ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो गई 100 प्लस 100 200, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस हो गई 140 प्लस 105 यानी 245, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हो गया वो 45 रुपये हो गया, और किस पे, 200 पे, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 0 0 कट जाएगा, और यहाँ से 45 में जब 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 22.5 आएगा प्रतिशत, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो 22.5% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग मतलब इजीली कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी करना सीखिए अर्थमेटिक के अंदर, तभी प्रॉब्लम होती है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होती ही नहीं है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि आप लोग एक बैंकर्स फंड ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर और मोबाइल के ऊपर अपना ऑनलाइन प्रिपरेशन घर बैठ के एक अच्छी लेवल की कोचिंग का कर सकते हो, जहाँ पे हमारा मेन फोकस रहता है कि लिमिटेड टाइम के अंदर आप लोग कैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। तो आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना हो तो आप ये जो नंबर है इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग हम लोगों को उससे संपर्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो भी कोर्स की डिटेल्स है वो सारी आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्योमेट्री से आ गया था, रेक्टेंगल बोला है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा इसको डायरेक्ट भी अगर कोई समझने वाला होता है वो समझ सकते हैं, मैं थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 80% ऑफ डायगनल ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया 1225, यानी कि एक स्क्वायर है उसका जो एरिया है, यानी कि मान लीजिए इसकी ये जो भुजा है वो एल है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू मेरे को 1225 दे रखी है, यही दे रखी है, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी जब मैं अंडर रूट लगाऊंगा इसके अंदर। यहाँ तक समझ रहे हो, इसका जो डायगनल होगा वो क्या होगा, ये भी एल ये भी एल, ये मान लीजिए डायगनल डी, तो डी क्या होगा, ये विकर्ण है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बाई द थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम से जो डी की वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, 2 अंडर रूट एल, तो जो डायगनल की जो वैल्यू आई है वो 2 अंडर रूट 35 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, अब एक रेक्टेंगुलर है, इसकी एक तो लेंथ है एक ब्रेड्थ है, ये एल डेस मान लेता हूँ क्योंकि एल पहले आ चुका है, ये जो एल डेस है वो इस डायगनल का 80% है, तो एल डेस हो गया 235, 80% का मतलब 80 बटा 100, देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100,
चार बटा पाँच से मल्टीप्लाई करना था इसको, ठीक है, ये अंडररूट 35 के अंदर भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आप लोगों को 80% निकालना था, ठीक है, तो यहाँ से इजीली आप लोग मतलब 35 से अंदर जाके कर दो या कैसे भी कर लो, ठीक है। जो डायगनल का 80%, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी, तो डायगनल कितना हो गया 2√35, उसका जो 80% हो गया यानी कि 4/5 से अगर आप भाग देते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों का क्लियर हो गया। यहाँ पे अब अपने को पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये सारी जोड़ दो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। पेरीमीटर जो होता है वो 2b+l होता है, ठीक है, पेरीमीटर नहीं, दोनों तो ब्रेड जोड़ दी, दोनों तो चौड़ाई जोड़ दी और दोनों ही लंबाई यहाँ पे अपन लोगों ने जोड़ दी। ठीक है, तो दोनों लंबाई, अरे ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये देखो एल तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट टू अंदर रह जाएगा, ठीक है, तो 35 अंडर रूट टू होगा, तो और यहाँ पे अंदर तो आ जाएगा अंडर रूट टू और बाहर हो जाएगा 35। ठीक है, इसको 4/5 से कर लो, 5 × 7 = 35, तो ये 28 अंडर रूट टू हो जाएगा। अब देखो एल डेस की वैल्यू 28 अंडर रूट टू आ गई, पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो अपने पास 94 अंडर रूट टू दी हुई है। अब देखो इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीख लेना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये तो सारे बच्चों को समझाने के लिए लेंथ वेंथ में ये कर रहा हूँ, आप वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, मैं बताऊँगा आपको कैसे डायरेक्ट कर सकते हो। ये वैल्यू हो गई यहाँ पे एल डेस की, क्या वैल्यू है यहाँ पे 28 अंडर रूट टू। देखो यहाँ से 2 से 2 काट दो, 2 × 8 2 × 3 = 14, 47 अंडर रूट टू हो गया। 47 अंडर रूट टू में से 28 जब माइनस करोगे आप यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा जो बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 19 अंडर रूट टू। ठीक है, तो आपकी जो लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया क्या होता है, एल डेस इंटू बी हो जाएगा, 19 अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाई 28 अंडर रूट टू, और इसकी वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 1064 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे मैंने यहाँ पे 1064 बोला, देखो लास्ट में तो देखो ये हो ही जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, 8 × 2 = 16, ठीक है, तो 6 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली के अंदर, ठीक है, 6 × 5 = 54, देखो 8 × 2 = 16, तो लास्ट में 6 हो गई, देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये ऐसे बनेगा 19 × 28 × 2। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे ऑप्शन फाइंड आउट करना है, 8 × 2 = 16, तो 16 आ गया, 6 को फिर 9 से करो तो एंड में 4 तो आएगा ही आएगा। अब ये देखो 1064 और 1604, कैलकुलेशन को देख के साफ पता चल रहा है, 20 और 30 को देख के साफ पता चल रहा है कि जा ही नहीं सकता 1600 तो। ठीक है, 20 और 30 को मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 600, 600 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 1200, 1200 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता। अगर शॉर्टकट कैलकुलेशन भी किए तो आपका जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो 1064 बन जाएगा, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट बताता हूँ कि जो एग्जाम में स्टूडेंट आप बोलते हो ना कैसे कर लेता है, वो कैसे करता है, वो डायरेक्ट पता कर लेगा कि जो एल है वो 1225 का जो अंडर रूट होगा वो 35 होगा, उसके बाद में जो डायगनल होगा वो हो जाएगा 2√235। फिर यहाँ से वो देख लेगा कि जो लेंथ होगी रेक्टेंगुलर की, वो यहाँ से जो 80% को डायरेक्ट बच्चे 4/5 निकलते हैं, तो यहाँ पे 28√2 हो जाएगी। वो 28√2 का डबल अपने दिमाग में कर लेगा, 28 × 2 = 56, 56 को माइनस करेगा 94 में से, ठीक है, 94 में से माइनस कर लेगा वो, ठीक है, 94 में से 56 का माइनस करके फिर वो 2 का भाग दे देगा। ठीक है, 94 में से 56 माइनस करोगे यहाँ पे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, 38 में 2 का भाग देगा 19 आ जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा जो ब्रेड थे वो 19√2 है। दिमाग की कैलकुलेशन ही सारी जगह काम करती हैं। एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, तो यहाँ से आप लोगों का इजीली पता चल जाएगा। और ऑप्शन से कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने बता दिया, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर, इस तरीके से अगर चलेंगे तो थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 12 महीने की जो सैलरी वो बता रखी है 7.8 लाख यानी 7,68,000 रुपये, तो 1 महीने की जो सैलरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी देखो 12×6 = 72, ठीक है, 12×4 = 48 यानी कि 64,000 रुपये।
ठीक है। अब देखो 64,000 में से बंदा 12,000 रुपये तो किस पे खर्च कर रहा है, अपने बच्चे पे खर्च कर रहा है। उसके पास कितने बचते हैं, 52,000 रुपये बचते हैं। उसका 1/13% बचे हुए का 1/13 यानी कि 4,000 रुपये वो खाने पे खर्च कर देता है। उसके बाद में 8,000 रुपये वो किसके ऊपर खर्च कर देता है, म्यूचुअल फंड्स पे खर्च कर देता है। तो एंड के अंदर मंथ में कितने पैसे बचे, देखो टोटल खर्चा कितना हो गया, 12 और 8 20 और 4 24,000 हो गया। 64,000 में से जब आप 24,000 माइनस करोगे तो 40,000 ही बचेगा, तो आपका आंसर हो गया 40,000। ठीक है दोस्तों, ये देखो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। इसके बाद में अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और डीआई के क्वेश्चन बचे हुए हैं। यहाँ पे मेरी आप लोगों को एक सलाह होगी कि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है, मिसलिशियन क्वेश्चन है, उनको छोड़ के आप लोग डीआई नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर सबसे पहले फोकस करें। ठीक है दोस्तों, और जिन लोग आजकल देखो अर्थमेटिक के बिना तो सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल ही हो गया, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जा रही है, तो उसके भी 5-7 क्वेश्चन तो आपको सिलेक्शन के लिए करने पड़ेंगे, लेकिन पहले स्कोरिंग टॉपिक कीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, और देखो अर्थमेटिक समझ में नहीं आती है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अर्थमेटिक बहुत आसान होती है अगर उसको तरीके से सलीके से समझ लिया जाए। दोस्तों इसके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग का एक पहले ही मैंने आप लोगों के साथ जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 8955974739 इस पर कॉल कर लीजिए। आप लोग को मोबाइल लैपटॉप और कंप्यूटर बैठ के घर पे पूरी की पूरी आप लोग तैयारी कर सकते हो, पूरी व्यवस्था की हुई है, डाउट क्लियरिंग, कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश का यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोर्स मिल जाएगा आप लोगों को। और इसके लिए आपको कहीं दिल्ली, जयपुर, पटना, लखनऊ जैसे बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे बैठ के कर सकते हो, सारी सुविधाएं अपने घर पे मिल सकती है आप इसके ऊपर, और नहीं तो व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। पूरी डिटेल आप लिख दीजिएगा, अगर आपको बैंक के बारे में जानना है तो आप बैंक लिख के मैसेज कर देना, अगर आपको SSC के बारे में जानना है तो SSC लिख के कर देना। एक इम्पॉर्टेंट सूचना और है, SSC CHSL का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए टारगेट पे स्टार्ट कर दिया है, उसकी क्लासेस 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है अभी कोर्स के ऊपर, तो उसका भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके। चलिए अब अपन लोग बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन कर तो सारे लोग लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वही बात आके अटक जाती है टाइम के ऊपर कि टाइमली कौन करता है। तो सबसे पहला तो मेरे को मतलब एक चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये स्क्रीन पे देखा फिर इसको पेपर पे उतारते हैं, हाँ भाई 40% ऑफ 20/4 गुणा क्वेश्चन मार्क जो 48, क्यों भाई क्यों उतारना है पेपर के ऊपर, लिखा हुआ है सामने, उसको जितना सोल्व कर सकते हो माइंड सेट के अंदर वहीं पर सोल्व करो। ठीक है, तो इसको सिर्फ सामने देखना है, पेपर पे क्या लिख के सोल्व करना है सिंप्लीफिकेशन को, मैं वो यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो 40% का मतलब 40/100 यानी 2/5 ही होगा। ठीक है, 20/4 का मतलब क्या हो गया, 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेना हमेशा, ये 48 हो गया, तो 5 से 5 कट गया, 2 का इधर भाग जाएगा, तो ये बचेगा आपका 24, तो आपका आंसर आ गया 24। इसे फास्ट करना है, 2.5 + 1.5 हो गया 4, 3.5 + 1.5 हो गया 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया आ गया आप लोगों का 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक ट्रिक लगानी पड़ती है कि 64 में कुछ लोग 80 का भाग दे देंगे, क्योंकि देखो बोर्ड मास का रूल बोलता है पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो। ठीक है, अगर अपन साइंस की बात करें तो यहाँ पे जो ब्रैकेट वगैरह होता है उसको तो पहले सोल्व करना होता ही है। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 40 × 64/80। ठीक है, ये लिख सकते हो आप लोग 64 में, आपको सिर्फ 80 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x² + 7 हो गया, तो 40 × 80 ये आ गया 32, 7 इधर माइनस होगा तो आएगा 25 = x², तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 × 16 4 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 4 जाके 256 के अंदर माइनस होगा और ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, देखो 1/4 होगा गुणा 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बचेगा और ये 256 के अंदर हो जाएगा जाके क्या, डिवाइड। तो देखो 4 × 6 = 24, ये 64 हो गया, तो यानी 64 किसका क्यूब होता है, ये क्यूब हटाने के लिए इधर 1/3 करना पड़ेगा, यानी कि क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब रूट कितना होता है, 64 का 4 होता है, तो 15 − x = 4, तो एक्स की वैल्यू 4 को इधर लाओगे तो 11 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 = 15% ऑफ 1000 यानी 15% कितना होगा भाई, 150 ही होगा, मल्टीप्लाई बाई 3% एंड 3/100 आएगा।
देखो यहाँ पे 3/100 आएगा और 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 बचेगा और नीचे यहाँ पे x बच जाएगा। देखो भाई यहाँ पे 3/100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये बात दिमाग में सोचनी है, लिखनी नहीं है, ठीक है। 3/x हो गया, देखो 0 से 0 कट गया, 3 3 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, x उधर चला जाएगा तो इधर बच जाएगा 5, तो x बराबर क्या बच गया, 5 बच गया। नेक्स्ट आते हैं x प्लस 49 इज इक्वल टू 7 6 28, 5 6 20, 200 215, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माइनस करना है, अब देखो 49 को इधर लाके माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। 49 को इधर 28 में से देखो ऊपर ऊपर की वैल्यू अलग निकाल लो, देखो माइनस करने का थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका, 28 और 15 कितने होते हैं, 43 होते हैं, 43 निकाल दो। अब 6 और निकालना है, 200 में से 6 निकालोगे तो कितना बचेगा, 194 ही बचेगा, ठीक है। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन हो गया कैसे किया, आप देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ थोड़ा सा। एक्स प्लस 49 28, ये 215। अब इस 49 को उधर ले जाके माइनस ही तो करना है, तो देखो इस 28 को ले लो और इस 15 को ले लो, तो इधर 200 प्लस में छोड़ दो और 28 और 15 कितने हो गए, 43। अपने दिमाग में 49 को उधर माइनस करो तो -6 बचेगा, -6 100 200 में कर दो 194 बचेगा, तो सारी चीज़ें दिमाग के अंदर हो जाएगी, पेन टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो थोड़ा सा फ्रैक्शंस का है, तो आराम से इस लोगों को इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। देखो एक ये भी होता है कि जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, गलती कर बैठे तो वहीं पर अपना मामला पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है और आराम से एकदम से सोच समझ के क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 3 9 10/3 -1, 3 2 9/8 इजिकल टू 6 2 12 और 5 21, यानी 21/ देखो 6 2 12 और 5 17, 17 आएगा यहाँ पे, 17/6, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे x की वैल्यू अपन लोगों को निकालनी है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई 9/8, 17/6 -10/3, इसको जब सोल्व करोगे आप लोग तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 17 एक मिनट, अच्छा यहाँ पे भी माइनस है, 17 -20, तो ये माइनस कितना बच जाएगा, -0.5 बच जाएगा या फिर 1/2 बच जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा क्योंकि 3/6 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 8 को ऊपर मल्टीप्लाई, 3 नीचे मल्टीप्लाई, 2 4 8, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4/9, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 40% ऑफ 102 भाग डिवाइड बाई 17। देखो 40% का मतलब तो हो जाएगा 2/5, 102/17 का मतलब हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2 का क्यूब यानी 8 और 6, 6 से 6 कट गया, 2 हो गया यहाँ पे 4, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बराबर 20, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको हटा देते हैं अपन लोग। चलिए x माइनस 2 क्यूब यानी कि x माइनस 8, ठीक है, x माइनस 8, 49 माइनस 12 कितना बचेगा, 37 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। 49 माइनस 12 37, या फिर देखो एक साथ कर लो, ठीक है, मतलब कुछ भी कर सकते हो कि साथ। अब देखो ये सब अपने अपने तरीके में, क्या बताऊँ इसके अंदर, देखो या तो आप 149 एक साथ करके उसमें इसके 29 माइनस कर दो, या फिर अलग अलग माइनस कर लो। तो मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, मेरे को लगा शॉर्टकट तरीका यही कि 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, तो दोनों को प्लस कर दिया 149, -12 -17 -29, ठीक है। तो ये यहाँ पे बचेगा 120 और 8 को उधर ले जाऊँगा तो x बराबर हो जाएगा 128, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 128। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 400% ऑफ क्वेश्चन मार्क यानी x, 400% का मतलब तो 4 ही हो जाएगा, 400/100 होगा तो 4x हो गया, ये तो एक तरीके से 4x ही तो हो गया ये, ठीक है। 13 5 65, 5 6 13 13 6 195 हो गया, -9 का भाग दो, देखो 9 9 81, फिर से 9 9 81, यानी कि यहाँ पे 99 हो गया, तो यहाँ पे 99 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 96, और x को करने के लिए 4 का इसके अंदर डिवाइड देना पड़ेगा, 4 2 8 4 6 24, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 24। नीचे बात करता हूँ मैं, 8 का स्क्वायर ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो सिंपली कुछ मत करो आप लोग, ठीक है, 8 × 8 × 8 × 8, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर x कुछ भी है, नीचे 2 की पावर 6, ठीक है, तो 2 की पावर 6 को 4 × 4 × 4 कर लो, ठीक है, 4 × 4 × 4, 2 की पावर 4 का मतलब भी 4 × 4, 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई लिखोगे थोड़ी सी दिक्कत होगी, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो या 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। देखो 4 × 8 4 × 8, अब 2 × 4 ये 4 कट गया, 4 × 8 और 4 × 8,
ये 4 इजिक्वल टू 2 की पावर x। अब 2 की पावर x में क्या लगाऊंगी, 4 आ जाएगा, तो x बराबर 2 ही होगा, स्क्वायर करने पे ही 4 आता है, तो x बराबर 2 हो गया। बस कैसे भी कर लो, ये चीज़ें तो आराम से इजीली करने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। 20% ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई, 20% का मतलब तो 1/5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया -2, तो 9 चौक 36, 36/5 कितना होता है, 5 × 7 = 35, और 5 × 2 = 10, -2 यानी कि 5.2, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 5.2। 20% ऑफ 1/5, 20% का मतलब 1/5, और फिर से 1/5 ऑफ 2250, ठीक है, इज इक्वल टू 50 + x। अब देखो ये 25 हो गया, 25 निम 225, 90 हो गया, 50 को इधर लाके माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, इनके पास कुछ नहीं बच रहा, प्लस माइनस यही सारी चीज़ें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो 986 -432 +116 +13 का स्क्वायर यानी 169। तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, 986 -432 +116 -169, इसका स्क्वायर ले जाके इधर माइनस कर दो, ठीक है। अब ये करना है, अब इसका एक आपको एक रफली एक आइडिया होना चाहिए दिमाग के अंदर कि आंसर एक्चुअली के अंदर आएगा क्या। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, इस 116 को तो छोड़ दो, 986 में से पहले 400 माइनस करो, ठीक है, तो 586, फिर 100 माइनस कर दो, ठीक है, 586 फिर 486 हो गया, ठीक है, 486 में से अब आप लोग 69 माइनस करो, ठीक है, ठीक है, 486 में से जब आप 69 माइनस करेंगे तो देखो 7 और 26 बचेगा, ठीक है, 26 में से 32 माइनस करो, ठीक है, -32 करो, ठीक है, तो 26 में से 32 माइनस करोगे तो -6 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर आएगा वो 400 से नीचे आ जाएगा, कितना, ठीक है, 400 से नीचे चला जाएगा आंसर। अब देखो दोबारा देखना, ये शॉर्टकट चीज़ें दिमाग के अंदर कैसे आती हैं, 986 में से आप 400 माइनस कर दो 586, फिर 100 माइनस कर दो, देखो यहाँ से 400 माइनस कर दिया, यहाँ से 100 माइनस कर दिया, ठीक है, तो टोटल जाके 500 माइनस हो गया तो 486 बचेगा। अब ये दिमाग में करना है, 486 लिखना नहीं है, लिखोगे तो फिर वही मामला ख़राब है, ठीक है, 486 में से 69 माइनस कर दो, ठीक है, तो आपका 417 बचेगा, 417 बचेगा ना, 417 में से 32 माइनस करो आप, ठीक है, अब 17 में से 32 में से 17 माइनस कर दो, ठीक है, तो 15 आएगा। अब ये 15 400 में से माइनस जाएगा तो 385 +116 हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा 501 आंसर। अब ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में सोचनी पड़ेगी, इसको लिख के करोगे, अलग अलग जोड़ के करो, कैसे भी कर लो, ये तो प्लस माइनस की चीज़ें, अपना अपना तरीका होता है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसा कुछ उलझा हुआ दिखे तो आप ये भी सोच सकते हो कि मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन छोड़ना नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। यहाँ पे देखो क्या है, 142.2% ऑफ 11000। अब देखो 142 का एक तो ये पॉइंट हटाने के लिए जीरो नीचे जाऊंगा, एक परसेंटेज का जीरो नीचे जाएगा तो 1000 आ जाएगा डिवाइड में, तो डायरेक्ट 1000 काट दो आप, 142 × 11 कर दो, 142 × 11 कर दो। अब 15.6% ऑफ, तो 156 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, परसेंटेज का 100 आ गया और पॉइंट हटाया तो फिर से एक जीरो और आ गया, मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये 3590 हो गया। अब देखो आपने 11 की तो मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक सीखी होगी कि पीछे पीछे जोड़ते जाओ, देखो 2 यहाँ पे छोड़ दिया, 4 और 2 6 हो गया, 4 एक 5 हो गया, तो 562 हो गया, ठीक है। अब ठीक है, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये 1 ऐसा कैसा आ जाएगा, 1562 हो गया। अब इस 1562 को ले जाके इधर माइनस कर दो, ठीक है, अब 1562 को यहाँ से माइनस कर दीजिए आप लोग, 1562 माइनस कर दिया, ठीक है, अब डिवाइड कर दो आप अलग अलग, ठीक है, तो 1562 माइनस करोगे तो आप लोगों का क्या बचेगा, 2000 कुछ बचेगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखो क्या करो, 3500 में से 1500 जाएगा कितना बचेगा, 2000 बचेगा, और 90 में से 62 जाएगा 28 बचेगा, तो 2028 ही बचेगा यहाँ पे। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए 1000 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 156 डिवाइड हो जाएगा, सीधा सीधा 13 से कट जाएगा, 13 × 13 = 26, 13 × 13 ठीक है 7 बचा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 156 बच गया, ठीक है, फिर 12 से काट दो, 12 × 12 = 36, तो आंसर आ जाएगा 13000, आपको डायरेक्ट काटना आना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए,
अब 5 क्वेश्चन आपके डीआई के आए थे, तो डीआई बहुत ही सिंपल आई थी, एक टेबल दिया हुआ था और सिंपल उसमें से कैलकुलेशंस यहाँ पे आप लोगों से पूछी गई थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन प्लस माइनस गुणा भाग, इसके अलावा इस डीआई के अंदर कुछ भी नहीं है। तो डीआई कंपेरेटिवली मतलब इजी आ रही है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नंबर सीरीज़ डीआई और सिंपलीफिकेशन के ऊपर आप लोगों को फोकस करके चलना है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं और मतलब अर्थमेटिक में 5-10, 5-7 क्वेश्चन कर पाते हैं 10 में से तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये 3 सेक्शन तो आपको छोड़ने ही नहीं हैं। इसके अंदर अगर आपने कुछ मतलब ऊपर नीचे कर दिया तो फिर तो ये मान लीजिए मामला बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था, यहाँ पे आप लोगों का पूरा नंबर सीरीज हो चुका है, अर्थमेटिक हो चुका है और सिंपलीफिकेशन हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आप लोगों की डीआई की। देखो डीआई बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा डीआई क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन दी होती है किसी फॉर्मेट के अंदर, बस बाकी पूरा अर्थमेटिक ही होता है, वही एवरेज, वही परसेंटेज, वही प्लस माइनस सब वही होता है, वही रेशियो प्रोपोर्शन वही सब होता है, बस एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर एक तरीका होता है, एक सलीका होता है जिसके अंदर आप लोगों के एक इन्फॉर्मेशन दी होती है, उस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को यूज़ में करना होता है क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड फ्रॉम डी ऑन संडे मंडे एंड ट्यूजडे। डी का पूछा है संडे मंडे एंड ट्यूजडे। अब देखो ये प्लस करने का थोड़ा सा झोल हो जाता है कहीं पे, तो ये नहीं करना है। देखो क्या करना है, देखो फास्ट प्लस कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो 74 में से 2 तो इसे दे दो, तो ये 70 हो गया दिमाग में, 2 इसे देखो ये 80 हो गया, तो 80 प्लस 70 यानी 140 प्लस 80 220, ये लो, ये 4 को 2-2 दे दिया मैंने, इधर 2 इधर दे दिया, तो ये 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, 2 इधर दे दिया तो ये 80 हो गया। थोड़ा जोड़ने में आसानी हो गई, माइंड थोड़ा सा फास्ट काम करने लग गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को थोड़ा ध्यान रखते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम के अंदर काम आ जाती है। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है, टू द डेट सोल्ड फ्रॉम स्टोर ई ऑन ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। स्टोर ई की बात कर रहा है, ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे। अब देखो ये क्या करो, ये 4 यहाँ से हटा के इसको तो 80 कर दो और अपने दिमाग में इसको 90 कर लो। अब 90 90 180 और 80 260 ही होगा, काट दो, 2 से 11 अनुपात 13 आएगा और क्या आएगा। ठीक है नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे बोल रहे नंबर ऑफ बुक सोल्ड ऑन फ्राइडे फ्रॉम स्टोर सी एंड डी इंक्रीज बाई 15% एंड 20%। ठीक है, ये 15% बढ़ी, ये 20% बढ़ी। ठीक है, तो देखो सी एंड डी ऑन फ्राइडे, तो ये भी ये 15% बढ़ी, ये 20% बढ़ी, तो कितनी सेल हुई फ्राइडे को, यही पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोगों को। टोटल मिला के देखो 40 का 15% कितना होता है, 6 ही होता है। देखो 10% 4 होगा और 5% 2 होगा, तो यानी कि 6 होगा, यानी यहाँ पे तो 96 आ जाएगी। यहाँ पे 10% 9.5 होगा और 20% 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 95 और 19 114। ठीक है, तो 114 और 46 आप प्लस कर दो तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 160। अब देखो अब ये कोई लोग 40 का 15% निकालने बैठ जाएगा, 95 का 20%, कुछ लोग और भी शाने होते हैं वो 115/100 करेंगे प्लस 95, भाई ये क्वेश्चन वो करने वाले नहीं है। अब इतना सब करोगे तो कैसे होगा, दिमाग में छोटी छोटी वैल्यूज दी हुई हैं, इसीलिए मेरिट ज़्यादा जाती है, बच्चे फास्ट कर देते हैं और जो नॉर्मल वे के अंदर करते हैं उनका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशंस को सेट करने की कोशिश करो। अब जाते हैं अपन नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड फ्रॉम बी ऑन ट्यूजडे। ठीक है, बी का किस दिन, ट्यूजडे के दिन। ठीक है, और वेडनेसडे टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल बुक सोल्ड फ्रॉम द स्टोर सी एंड डी टुगेदर ऑन मंडे। ठीक है, तो ये वाला कितना, तो देखो इसकी जो वैल्यू होगी ये 6 इधर दे दो, 80 और 30 110 हो गया, और 85 और 55 90 और 50 140 हो गया। तो इस वैल्यू से ये कितना ज़्यादा हो गया, 30 ज़्यादा है किससे, 110 से मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 काट दोगे तो 300/11 बचेगा, तो 11 2 22। ठीक है, और 11 37 77 बचेगा 3/11%, यानी 27 सही 3/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड फ्रॉम स्टोर बी ऑन संडे सी ऑन ट्यूजडे ई ऑन थर्सडे। तो बी का यहाँ पे हो गया संडे को, सी का हो गया ट्यूजडे को,
और ई का हो गया थर्सडे को, ठीक है। तो ये वैल्यूज करनी है। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि एक नियर अबाउट वैल्यू ले लो, तो इसके नियर अबाउट वैल्यू 80 हो गई। ये मैंने एवरेज का सिस्टम बताया हुआ ना आपको शॉर्टकट निकालने का। अब देखो 80 से ऊपर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसमें अब 3 का भाग दे दो, 9 और 2 11 और 4 15, तो ये 5 हो जाएगा। तो 80 + 5 कितना हो जाएगा, 85 एवरेज आ जाएगा। अब एक आप पूरा बड़ा बड़ा वैल्यू जोड़ते और उसमें डिवाइड करते तो टाइम लग जाता है, ऐसे जोड़ के डिवाइड करोगे तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। फाइंड द डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर सी एंड ई टुगेदर ऑन ट्यूजडे एंड फ्रॉम स्टोर बी ऑन मंडे एंड थर्सडे, दोनों की जोड़नी है और फिर माइनस करना है। सी और ई ऑन ट्यूजडे, सी और ई ऑन ट्यूजडे, ये लो 82 एंड 90, कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। माइनस बी मंडे एंड थर्सडे, बी का हो गया आपका मंडे 57 और यहाँ पे थर्सडे ही दिया है क्या, कहाँ गया, हाँ थर्सडे, थर्सडे हो गया यहाँ पे 50 और 50 50 सौ 111 आ जाएगा। यहाँ पे 111 आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 61 आ जाएगा, ये रहा 61। दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चंस अपन लगभग यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट सारी वीडियोस के लिए सभी एग्जाम्स के बारे में। और इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उनके ऊपर जरूर से काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।